नगर निगम परिसर में स्थित सदन हॉल में बुधवार को नगर निगम कार्यकारिणी की 17वीं बैठक महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। बैठक की शुरुआत नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने सदन के समक्ष विभिन्न बिंदुओं को बिंदुवार रखा, जिस पर सदन के सदस्य गणों द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक में नगर निगम द्वारा महानगर के 70 वार्डों सहित नगर निगम में सम्मिलित 32 गांवों को लेकर साफ सफाई व्यवस्था, जल जमाव, पानी की सप्लाई सहित स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर चर्चा किया गया, जिस पर पार्षदगणों ने विभिन्न बिंदुओं पर महापौर सीताराम जायसवाल एवं नगर आयुक्त अविनाश सिंह का ध्यान आकर्षित करते हुए मुद्दों को उठाया, जिस पर महापौर सीताराम जायसवाल एवं नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने सदस्यों के उठाए गए मुद्दों पर जवाब देते हुए त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया। साथ ही सदन में महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अपील पर सभी पार्षद महानगर के 23 PSC केंद्रों को गोद लेंगे, साथ ही 2 साल से लेकर 12 साल के बच्चों के माता पिता को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित कर वैक्सीनेशन कराएंगे। इसके अलावा प्रत्येक वार्ड के पार्षद वरीयता के अनुसार 30-30 लाख के कार्य कराने की स्वीकृति दी गई। इस अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल, उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा, नगर आयुक्त अविनाश सिंह, उपनगर आयुक्त DK सिन्हा सहित पार्षद एवं नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, संकट होने के नाते हम पार्षदों का ध्यान जो है अपने वार्ड के साफ
पाई सैनिटाइजेशन निर्माण उसमें लगा हुआ था, जिस कारण पार्षद अभी उस निर्माण कार्य पे नहीं ध्यान दिया था। मगर अब ये नगर निगम पूरा बहुत अच्छा काम किया, मैं चाहता हूँ सभी पार्षदों से प्रस्ताव लेके इस पर कार्य प्रारंभ किया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रस्ताव पास होते हुए कार्य प्रारंभ कर लेंगे और आगे भी आधार घटना का भी जल्द जल्द से चाहता हूँ और जल्द से जल्द सभी वार्डों से प्रस्ताव लेंगे। माननीय नगर आयुक्त महोदय, दो महीने से जो पूरे देश के अंदर और देश के अंदर महामारी चल रही है, इसको देख देख के बड़ी दुनिया को चिंतित था। मगर मैंने इधर बहुत गंभीरता से बात को आकलन किया है कि नगर निगम में जो जूनियर इंजीनियर है और जिन जिन वार्डों की नियुक्ति है, उन्होंने निर्माण कार्य के प्रति असंवेदनशील दिखे और जहां दो ईटा की सड़क गया हो गोल करने पर उनका फोन नहीं मिला। हमारे इलाके में पिछले नंबर आए थे छह को बैठे और एक गिलास दो गिलास बनाने के लिए जूनियर इंजीनियर चीफ इंजीनियर साहब को निर्देशित किया, जब आप सामने खड़े जाएंगे तो सब बात कायम नहीं पाएगा। प्लीज चुका चीफ इंजीनियर महोदय ने उसका कोई ध्यान नहीं दिया और न हमारी आवाज कंपनी को फेफड़ा जी होकर जाकर आ गई और अब वो का मेलता महोदय ने और जूनियर इंजीनियर ने भी काम नहीं देखा, इसे दो आदमी के पैर के पंजे टूट गए और मैंने टेलीफोन से भी बीमारी का हालत में भी इंजीनियर को फोन से बताया और अतुल जो हमारी कैदी है उनको चार पांच बार मैंने मैं आ नहीं सकता था तो मौखिक ही फोन पर बता सकता था। उस काम को लेकर मुश्किल से 15 से 20 हज़ार रुपये का काम है, वह ग्रिल है उसी ग्रिल को टाका टूट गया, उसे टाका लगा देंगे, कोई नया काम उसमें करता भी नहीं था। मगर इतना असंवेदनशील आदमी हो जाएगा, इतना काम नहीं करेगा, जबकि नगर निगम के बहुत से अधिकारी इस कोरोना कार्यकाल में भी अपनी पूरी जिम्मेदारी का निर्वाह किए। सबसे पहले मैं महापौर जी को और नगर आयुक्त को और जो भी नोडल अधिकारी हैं उनको इस बात की बधाई देना चाहूँगा कि गोरखपुर में छिड़काव की संपूर्ण व्यवस्था महापौर जी के नेतृत्व में कराई गई और दूसरा जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर अंतिम संस्कार की जो शिक्षेदर पूरे देश में हुई वो काम गोरखपुर में नहीं हुआ और सबको अंतिम संस्कार बहुत सम्मान से गोरखपुर में मिला। इसके लिए सभी अधिकारियों को बधाई देना चाहूँगा। टेंडर बाद में कराया गया तीन बात महानी महापौर जी उनके आत्मक्रम में दिन में ये प्रस्ताव लेके आया हुआ है ताकि जो माननीय बालकों की दुख है नागरिकों का दुख है वो जिला समाप्त है। उसमें भी नगर निगम का एक अंग है ठेकेदार, PWD का नया कुछ रूल आया हुआ और PWD के रूल से ही नगर निगम है क्योंकि ये बहुत साफ नहीं है। इसके अलावा जो भी निर्माण कार्य करते हैं हर निर्माण कार्य की एक टाइम होता है, स्टार्टिंग डेट और एक होती है कंप्लीशन डेट, तो वो लोग इस बात को ऊपर ध्यान रखते हैं कि कंप्लीशन डेट के अनुसार ही हमारा काम समय से पूरा हो जाए और उन्होंने ये
वादा किया है कि आगे से हम मदद करेंगे, क्योंकि हमने कहा था कि अगर कोई भी आपको फंड की जो प्रॉब्लम अगर आप कहते हैं प्रॉब्लम है वो हम लोग नहीं होने देंगे, लेकिन हम जरूर ये चाहेंगे कि जो हमारा काम है निर्माण कार्य है, जो हमारा टाइम लाइन है, जो हमारा शेड्यूल है, उसके अंदर चुनाव हो जाए। लगभग 1 किलोमीटर का सड़क है लगभग, लेकिन वहाँ नाली बना नहीं, इससे वो पूरी तरह सड़क क्षतिग्रस्त हो गई और आज बारह महीनों का पानी हो गया है। पानी निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, कोई जगह नहीं। इतनी बार जो प्रस्ताव किया गया अभी तक कोई कर रहा है। मैंने प्रयास किया था शासन में तो भेजा गया था कि नगर निगम की व्यवस्था खोलने के लिए जो हमारे यहाँ के नाले हैं उसको बनाया जा सके, वो फंसता ही नहीं है। सभी के सकारात्मक सुझाव आए
आए हैं और मुझे आज बहुत इस बात की बहुत खुशी है कि नगर निगम उन्हें पार्षदों और अपने कर्मचारियों और अपने अधिकारियों के सहयोग से उत्तर प्रदेश में एक अच्छा उदाहरण पेश किया है। ये सब आप लोगों के सहयोग से हुआ है, चाहे दवा वितरण का कार्य हो, इंजेक्शन लगवाने की बात हो या जो अपना सौदागरी बना, सभी हमारे पार्षदों के निर्देशन में नगर आए चीफ इंजीनियर के निर्देशन में बहुत ही सफलता हुआ एक कार्य किया गया। दवा वितरण में हमारे स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ घर घर का संपर्क करके उनके घरों में दवा पहुंचाई, जो मोदी योगी जी और मोदी जी का मिशन था कि हर घर में उन जरूरतमंद को दवा पहुंचे और आप लोगों के सहयोग से हर जरूरतमंद के घरों में दवा पहुंची। 1,00,000 रुपये का बजट होता उसको ठीक करवा दिया। ये सब बातें हुई है और बहुत आप लोग शांति से मीटिंग करेंगे, हर आदमी की बात सुनी जाएगी और सबका काम होगा। इसके लिए हमारे अधिकारी मैं हमारे सभापति तत्परता से काम करेंगे। हमारे युवा एक बात और बताना चाहता हूँ कि नगर निगम के समाजसेवी संस्थाओं ने इस संकट की घड़ी में उन लोगों का बना हुआ रास्ता लंच और डिनर दोनों टाइम उपलब्ध कराया है और ऐसे ऐसे लोगों के घरों से जो बहुत करोड़पति हैं थोड़ा है कि हमारे घर में खाना बनाने वाला नहीं है। हम लोगों ने पेपर को नंबर दिया और उस नंबरों पर फोन आता था और वहां था भोजन पहुंचाने का काम समाज के सभी लोगों ने मिलकर किया है। गोरखपुर के लिए बहुत ही सुंदर अनुभूति है और हम लोग बहुतों का जान बचा पाए हैं और इस तरह से हम अपने बेहतर व्यवस्था नगर निगम के माध्यम से आने वाले चैलेंज को स्वीकार करेंगे और पूरी तत्परता से हमारे पार्षद हमारे सभी अधिकारी इसमें किसी के बिना भेदभाव एक काम करेंगे तो हम अपने नगर को बीमारी से बहुत हद तक दूर कर सकते हैं। साथ ही कल 3:30 बजे जैसा नगर आयुक्त ने बताया मुख्यमंत्री जी के साथ एक विशेष ये है कि जो भी हमारे छोटे छोटे हेल्थ सेंटर है, मैंने बात किया है सीएमओ से, 23 हेल्थ सेंटर है, पीएचसी हमारे 80% और जो भी रंजित में हो उसे हमारे 3-4 को जोड़ दिया जाए तो हम उसकी देख रेख भी करेंगे, छोटी मोटी तो क्या होगी वो पूरा भी करेंगे और जो हमसे नहीं हो पाएंगे हम डीएम से बात करके कमिश्नर से बात करके उसका पूरा कराएंगे। उनको बताया देना चाहता हूँ कि इस मुसीबत के घड़ी में उन्होंने मरीजों के साथ कंधा से कंधा मिला करके चला है और नगर की व्यवस्था बनाने में जो सहयोग किया है इसके लिए उन्हें भी नगरवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जय जय। आज नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक सदन हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हुई है, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई और सभी हमारे सदस्यों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, अपने क्षेत्र की बातें रखी है, सभी पर एक एक समीक्षा की गई है और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो मुद्दे हमारे पार्षदों ने उठाए हैं उसका निराकरण शीघ्र किया जाए। इसमें हमारा मुख्य विषय था
सफाई विभाग के कामों पर विचार विमर्श, निर्माण विभाग के कार्यों पर विचार विमर्श और स्वास्थ्य विभाग के कार्यों पर विचार विमर्श, पथ प्रकाश के कार्यों पर विचार विमर्श, जलकल विभाग के कार्यों पर विचार विमर्श, विभाग के कार्यों पर विचार विमर्श, अन्य विषय में कोई प्रस्ताव नहीं आया। इन सभी विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। कोरोना काल में हमारे पार्षदों ने अथक मेहनत करके बहुत सारे लोगों को बचाने का काम किया है, उनके घरों में दवाइयां पहुंचाई है, अपने वार्डों में सफाई की पूर्ण व्यवस्था की है। इस तरह हमारे पार्षद ने अपने अपने वार्डों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सफाई कर्मचारियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सबसे अच्छा काम नगर निगम के अधिकारियों और हमें सभी पार्षदों के सहयोग से ये हुआ कि हम लोग सम्मानपूर्वक जो भी डेड बॉडी आई उसको हम लोगों ने निस्तारण किया, उस पर कार्रवाई की। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी मोहल्ले थे जहां पर डेड बॉडी को लाने वाला नहीं था, हमारी नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम गई और उस डेड बॉडी को स्वयं उठा करके ला करके अपने यहाँ उसका संस्कार किया। साथ ही साथ हम लोगों ने बहुत पैसा लेते थे गाड़ी वाले शव को वहाँ पहुँचाने के लिए, तो उन पर भी नियंत्रण किया गया और नगर निगम ने अधिकारियों से बात करके 1500 रुपया फिक्स किया। जितने भी एम्बुलेंस आई 1500 रुपया से कोई अधिक नहीं लिया और जिनके पास पैसे नहीं थे वहीं पर हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों ने वैसे लोगों को पैसे तक दिए, लकड़ी की मुफ्त व्यवस्था की, इस तरह सफाई की व्यवस्था की। एक बहुत ही चैलेंजिंग कदम था और साथ साथ इस पर भी चर्चा हुई है कि आगे आने वाले समय में छोटे बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, वैज्ञानिकों का जैसा निर्देश है इस पर भी हम लोगों ने नगर निगम में चर्चा की है और सभी पार्षदों ने एक मत से यह कहा है कि हम अपने अपने क्षेत्र में उन गार्जियन को आगाह करेंगे कि बच्चों को 2 साल से 12 साल तक के बच्चों को घर से बाहर न निकलने दें, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने बताया है कि ऐसे बच्चों पर ही तीसरी लहर आक्रमण कर सकती है। यह तो भविष्य के गर्भ में है क्या है, लेकिन हमें सतर्कता आज ही से रखनी है और हमारे पार्षदगण इसके लिए तैयार हो गए हैं। हमारे 23 PHC केंद्र है नगर निगम के क्षेत्र में, इसमें हमारे पार्षद मुख्यमंत्री जी के अनुरोध पर इसको गोद लेंगे। कल मुख्यमंत्री जी के साथ 3:30 बजे BC है, उसमें हमारे सभी पार्षदों की हिस्सेदारी रहेगी और उनके जो भी सुझाव आएंगे हम अपने नगर निगम के माध्यम से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। इसी पर चर्चा हुई है और सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई, सकारात्मक चर्चा हुई, इसके लिए सभी हमारे पार्षदों को, उपसभापति को, अपने अधिकारियों को मैंने बधाई दी है। इसी के साथ कार्यक्रम समाप्त किया।